काफी शहीद हिंदुस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना आजम खान ने फिर बेसुरा बयान दिया है और ये लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार बदतमीजी भरे बयान दे रहे हैं। इनको पूछो कि अगर मुसलमान ने हिंदुस्तान में रहकर गलती की, जैसा कि इन्होंने बयान दिया है कि पहले ही चले जाना चाहिए था, रुकने की गलती हो गई, तो अभी कौन सा इनको किसी ने जंजीर से जकड़ा हुआ है, अभी कौन सा इनका कुत्ता पकड़ा हुआ है किसी ने, अभी चले जाएं, अभी कौन सा जाने में कोई गुरेज है, कोई हर्ज है, कोई परहेज है। पाकिस्तान तो आज भी जा सकते हैं, भारत में रहने में इतनी समस्या है आजम खान को। भारत ने इनको प्यार दिया, सम्मान दिया, मान दिया, प्रतिष्ठा दी, पद दिया, वजारत करने का मौका दिया, विधायक की दी, सांसद बनाया है, लेकिन इनका दम घुट रहा है, तब भी इनका दम घुट रहा है। अगर भारत से इतना कुछ पाने के बाद भी आजम खान का दम घुट रहा है तो जाने का टिकट कराची का मैं भेज देता हूं कल, और 1 करोड़ रुपया भेज देता हूँ, 1 करोड़ रुपया चेक भेज देता हूँ, वहां जाके कोठी खरीद लेंगे, लेकिन यहां से चले जाएं, हमारे देश पे एहसान करें कि हमारे देश में ना रहें। कम से कम हम पे भी एहसान होगा, उत्तर प्रदेश पे भी एहसान होगा, रामपुर की जनता पे भी एहसान होगा, समाजवादी पार्टी पे भी एहसान होगा। समाजवाद शब्द का जो दोहन करके इसको नमाजवाद कर दिया है और आजमवाद कर दिया है, तो समाजवाद उस शब्द पे भी एहसान होगा अगर ये पाकिस्तान चले जाएंगे तो। मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया और जाने का टिकट आजम खान को कल आजम खान के घर के लिए पोस्ट कर दिया जाएगा। अब अगर उनमें गैरत है तो हिंदुस्तान को छोड़ें और जाके वहीं रहें जहां वो रहना चाहते हैं और जहां से उन्हें प्यार है, खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान के लिए हैं। ऐसे व्यक्ति की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आजम खान के बयान पर पलटवार करते हुए अक्सर अपने बयानों और अपने कामों को लेकर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने रामपुर के सांसद आजम खान को पाकिस्तान जाने की सलाह दी है। एक वीडियो जारी कर अमित जानी ने कहा है कि आजम खान पाकिस्तान जाना चाहें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना आजम खान तक को कराची तक का रेलवे टिकट भी मुफ्त देगी। ये ऑफर अमित जानी ने आजम खान को दिया है। आपको बता दें कि अमित जानी इसके पहले मायावती की मूर्ति तोड़ने के कारण चर्चा में आए थे। वहीं अमित जानी और आजम खान दोनों ही अपने बयानों को लेकर ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।